अस्सलाम वालेकुम। शुरू उस पाक रब के नाम से जिसके हाथ में तमाम खुदाई है। नजरीन, वीडियो लेके आया हूँ जो दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी फंसे हुए हैं उनके लिए नए शेड्यूल का ऐलान हो गया है जो कि 1 जून से लेके 10 जून तक है। इसमें 62 फ्लाइट ऑपरेट की जाएगी। मुकम्मल डिस्कस करूंगा आज इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने देखने वाले नजरीन से गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल अंदर इन्फो टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, ताकि इसके बाद भी आने वाली इन्फॉर्मेशन के मुतालिक वीडियो बर वक्त बजरिया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि नाज़रीन, हम बनाते हैं वीडियो आपके लिए और आपका यही इत्तेफाक प्यार है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको मैं तफसील से बताता चलता हूँ। 1 जून को फ्लाइट, जो पहली फ़्लाइट जा रही है UAE से लाहौर के लिए, दूसरी फ़्लाइट आएगी इटली मिलान से इस्लामाबाद के लिए, तीसरी फ़्लाइट आएगी UAE से मुल्तान के लिए, चौथी फ़्लाइट बहरीन से फैसलाबाद, पांचवी फ़्लाइट ओमान से पिशावर और छठी फ़्लाइट सऊदीया से कराची के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही अगर मैं 2 जून की बात करूं तो 2 जून को UAE से लाहौर, UAE से फैसलाबाद, चाइना शंघाई से कराची, कतर से पिशावर, USA न्यूयॉर्क से इस्लामाबाद और सऊदी अरब से मुल्तान के लिए फ़्लाइट है। इसके आगे 3 तारीख है। 3 तारीख की अगर मैं आपसे बात करूं, UK की फ़्लाइट है जो कि आएगी मैनचेस्टर से इस्लामाबाद के लिए, कतर से कराची के लिए, जॉर्डन से मुल्तान के लिए, UAE से पेशावर, UAE से फैसलाबाद, सऊदीया से लाहौर के लिए, और एक और फ़्लाइट है वो आएगी मुर्तानिया से इस्लामाबाद के लिए। ये 3 तारीख तक का शेड्यूल आपके पास पहुंच गया। आगे 4 तारीख की अगर मैं डिस्कस करूं तो 4 तारीख को UAE से फैसलाबाद, UAE से कराची, UAE से मुल्तान, UAE से पेशावर और कतर से लाहौर और सऊदीया से इस्लामाबाद के लिए है। आगे 5 तारीख में नाजरीन जो फ़्लाइट आ रही है चाइना वुहान से आ रही है। मुझे एक वुहान के भाई अक्सर मैसेज कर रहे हैं कि वुहान से कब फ़्लाइट आएगी, तो भाई आपके लिए स्पेशल मैं ये अल्फाज बोल रहा हूँ। 5 तारीख को चाइना वुहान से फ़्लाइट आएगी इस्लामाबाद के लिए, कतर से पेशावर, ओमान से लाहौर, थाईलैंड से कराची, तुनिसिया से मुल्तान, UAE से फैसलाबाद और सऊदीया से कराची, ये 5 तारीख। आगे 6 तारीख के लिए जो शेड्यूल जारी किया गया है, UK लंदन से इस्लामाबाद, UAE से मुल्तान, UAE से कराची, UAE से फैसलाबाद, कतर से लाहौर, सऊदी अरब से पेशावर। आगे 7 तारीख का जो है वो कतर से इस्लामाबाद, UAE से लाहौर, UAE से पेशावर, UAE से मुल्तान, UAE से फैसलाबाद और सऊदीया से कराची के लिए फ़्लाइट है। अगर 8 तारीख का जिक्र करते चलें तो 8 तारीख को नाज़रीन कतर से कराची, कनेडा से इस्लामाबाद, कनेडा टोरंटो से फ़्लाइट आएगी, और UAE से फैसलाबाद, UAE से लाहौर, UAE से पेशावर और सऊदीया से मुल्तान के लिए। 9 तारीख की अगर मैं बात करूं तो UAE से इस्लामाबाद, UAE से कराची, UAE से फैसलाबाद, इराक से पेशावर के लिए फ़्लाइट आ रही है, सऊदीया से मुल्तान और सऊदीया से लाहौर। 9 तारीख को 2 फ़्लाइट है जो सऊदीया से रखी गई है। आखिरी दिन है 10 जून का जो इस शेड्यूल में शामिल है। इसमें UAE से इस्लामाबाद, UAE से फैसलाबाद, UAE से पेशावर, कतर से लाहौर, फैसला सऊदीया से मुल्तान और सऊदीया से कराची के लिए। आखिरी दिन भी सऊदीया के लिए 2 फ़्लाइटें रखी गई हैं। नाज़रीन, ये था मुकम्मल शेड्यूल जो 10 दिन का 62 फ़्लाइट का मैंने आपको बताया। इनके स्क्रीनशॉट भी मैं साथ लगा देता हूँ ताकि आपके लिए वेरिफिकेशन हो सके। ये मैंने जो ओवरसीज पाकिस्तानी का ट्विटर अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट से मैंने ये मालूमात हासिल की है जो आप तक पहुँचा रहा हूँ। इसके बाद मैं अपनी वीडियो आपको दूंगा सऊदीया के लिए जो 12 फ़्लाइट रखी गई हैं उनके बारे में वीडियो बना के अलहदा आपको दे दूंगा कि किस शहर से आ रही है। UAE से आपको अलहदा वीडियो बना के दे दूंगा कि UAE के किस किस शहर से किस किस जगह आ रही है। अगर वो भी वीडियो आप मेरी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को कल सब्सक्राइब, ताकि इसके बाद भी आने वाली वीडियो जरिए नोटिफिकेशन आप तक पहुँची रहे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के बाद।